हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? आशा रखती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। हम भी एकदम मस्त और स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, और कहते हैं ना कि हर एक सुबह जो है ना हमारे जीवन में एक नया अवसर लेके आती है, और ऐसे ही हर एक सुबह होती है वो हमारे लिए कुछ नया ही लेके आती है। तो अभी यहाँ पे देखो पंछी जो है वो भी अपनी राह पे निकल पड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गमले में छोटा सा ऐसे कृष्ण फूल वाली जो वेल आती है उसका बी लगाया था, तो वो भी कितने अच्छे से ऐसे अंकुरित हो गया है। और यहाँ पे देखो मनी प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और अभी ठंडी है तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो करते हैं, और ऐसे प्लांट भी एकदम खुशनुमा रहते हो ना ऐसे दिखते हैं। और उसके बाद मैंने मेरा सुबह का सब रूटीन काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले भगवान का दिया जो है वो मैं जला लेती हूँ। और सुबह सुबह मैं मेरा खुद का रूटीन फिनिश करने के बाद सबसे पहले भगवान का दिया जो है वो जला लेती हूँ। और भगवान का दिया का जो प्रकाश होता है वो देख के ही हमारे मन में ऐसे देखे ना तो एक शांति यानी कि सुकून मिलता है, और दिया देख के ही हमें एक शांति मिलती है। तो अभी यहाँ पे भगवान की जो पूजा है वो मैंने कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दूध के ऊपर जो मलाई बनी हुई है वो मलाई ऐसे में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद दूध को एक छोटी सी पतीली में निकाल के उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और मैं ऐसे देखे ना तो मलाई निकाल के रखती हूँ, और उसके बाद उसमें से मक्खन बना के घी बनाती हूँ। तो अभी मलाई जो है वो मैंने निकाल दी है, और दूध को छोटी पतीली में निकाल के उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट है वो रेडी करूँगी, और हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करूँगी, और उसको ऐसे स्कूल के लिए छोड़ के आऊँगी। और ऐसे देखे ना तो सुबह का जो टाइम होता है ना फाइनली अभी यहाँ पे सुबह का जो सब रूटीन काम होता है वो हो चुका है, और ऐसे देखे ना तो घर जो है ना क्लीन हो गया है। लेकिन आज ऐसे देखे ना तो बहुत सारे काम ऐसे है ना वो मैंने सोच के रखे हैं, और मैं ऐसे देखे ना तो काम जो है ना रूटीन में ऐसे सोच के ही रखती हूँ कि ये काम करने के बाद आज मुझे ये करना है ये करना है, तो तब भी काम जो है ना हो सकता है, बाकी काम जो है वो बाकी ही रह जाता है। तो आज ऐसे देखे ना तो कल जो मैंने लिक्विड बनाया था ना वो अभी लिक्विड ऐसे ही डोल में भरा पड़ा हुआ है, तो अभी इसको बॉटल में भरना है लिक्विड को, और उसके बाद लहसुन छीलना है, और अभी जो हल्दी आती है लीली हल्दर वो भी कट करके उसको भी ऐसे जो अचार बोलते हैं इंस्टेंट वाला वो मुझे बनाना है। और दोपहर के खाने में आज वाल की सब्जी बनानी है तो वो भी कट करनी है। और आज ऐसे देखे ना तो इतने सारे एक्स्ट्रा काम है और वो मुझे करने हैं। तो आज ऐसे देखे ना तो थोड़ा सा मैं जल्दी फ्री हुई हूँ सुबह के काम करने के बाद, तो आज ऐसे देखे ना तो सुबह के 11:30 बजे है और मैं फ्री हो गई हूँ। और अभी ऐसे देखे ना तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है वो मुझे करने हैं, तो लग जाते हैं काम करने में। ऐसे देखे ना तो मेरे साथ ही नहीं सभी लेडीज़ लोग के साथ होता होगा कि कभी कभी इतने सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं कि सुबह से हम शाम तक काम करते रहे ना तो काम निकलते ही जाते हैं और पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे देखे ना तो थोड़ा थोड़ा सोच के काम करते हैं कि आज ये करूँगी कल ये करूँगी, तो काम जो है ना वो इजी रह जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरा सुबह का जो रूटीन काम होता है वो तो हो चुका है फिनिश। और आज ऐसे देखे ना तो लहसुन छील के रखना है, हल्दी जो लेके आई हूँ उसको भी ऐसे कट करके उसका इंस्टेंट अचार डालना है, और उसके बाद जो लिक्विड बनाया है उसको भी ऐसे बॉटल में भरना है। तो अभी यहाँ पे मैं लहसुन और हल्दी जो है वो लेने के लिए गई हूँ, तो लहसुन छीलने के लिए बैठ जाती हूँ, और मैं ऐसे देखे ना तो ढेर सारा लहसुन एक ही टाइम में छील लेती हूँ, और उसकी लहसुन की जो चटनी होती है ना वो बना के रखती हूँ, ताकि हर रोज़ जो है ना ऐसे लहसुन की चटनी बनाने
नहीं पड़ता है। तो जब भी सब्जी बनाते हैं तब भी ऐसे फटाफट सब्जी जो है वो बन जाती है। तो अभी यहाँ पे लहसुन छीलने के लिए मैं बैठ गई हूँ और हल्दी भी लेके जो है बैठ गई हूँ। और ऐसे देखें ना तो ऐसे काम, छोटे छोटे काम जो होते हैं हम कर लेते हैं, तो रूटीन में जब हम सब्जी वो सब बनाते हैं तो तब भी हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। दोपहर के खाने के लिए जो वालों की सब्जी मैं बोल रही थी, वालों की सब्जी ऐसे बन रही है। और अभी ठंडी हवा में देखे ना तो ये सभी सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पे वालों की सब्जी जो है वो बन रही है। अभी यहाँ पे हल्दी जो है वो मैंने कट कर ली है। और हल्दी ऐसे देखे ना तो अभी ठंडी के मौसम में खाने में बहुत हेल्दी रहती है, और ऐसे देखें ना तो सर्दी जुकाम भी नहीं होता। तो अभी इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू। तो ये ऐसे देखें ना तो हल्दी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे नींबू भी जो है वो मैंने डाल दिया है। अभी इसमें ये जो बीज है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे इंस्टेंट वाला हल्दी का जो अचार बोलते हैं वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे इतनी सी हल्दी मैंने काटी ना, लेकिन देखो ये हाथों में हल्दी का जो कलर है ना वो कितना मस्त आ गया है। और हल्दी ऐसे देखे ना तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है, और हल्दी खाने से ऐसे देखे ना तो स्किन भी बहुत अच्छी रहती है और स्किन भी हमारी ग्लो करती है। तो हम तो ऐसे सर्दी के मौसम में ये हल्दी वाली इंस्टेंट जो ये अचार मैंने बनाया नींबू और नमक डाल के वो बहुत खाते हैं। और यहाँ पे देखो हाथ जो है ना वो मेरे पीले पीले ऐसे हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए मैंने रोटियाँ जो है वो बना ली, और रोटियाँ बनाने के बाद ही तुरंत मेरे हस्बैंड जो है वो खाना खाने के लिए आ गए हैं। और दोपहर का जो खाना है वो हमने खा लिया। और मेरा बेटा है ना ऐसे स्कूल से लेट आता है, तो हम दोनों ही होते हैं दोपहर के खाने के टाइम। तो वो जब भी स्कूल से आता है तब भी उसको खाने का जो है वो मैं खिला देती हूँ। तो अभी यहाँ पे रोटियाँ जो है वो मैंने बना ली है, और दोपहर का लंच जो है वो भी हमने कर लिया है। और अभी यहाँ पे दोपहर के खाने के जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।